हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिषेक दवे, कंसल्टेंट कॉर्निया एंड कैटरेक्ट सर्जरी एट सेंटर फॉर साइट न्यू दिल्ली। सो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं टेरिजियम या हिंदी में नखूना। सो ये क्या है टेरिजियम? टेरिजियम एक फ्लैशी टिश्यू होता है जो आँख के वाइट पार्ट के ऊपर से चढ़ के हमारा जो ब्लैक पार्ट है, आँख की कॉर्निया है, पुतली है, उसके ऊपर आ जाता है। उसके कारण से कॉस्मेटिकली देखने में वो ठीक नहीं लगता। सेकेंडली, अगर वो टिश्यू बहुत ज़्यादा फ्लैशी हो, बहुत ज़्यादा कॉर्निया के ऊपर आ जाए, तो वो आँख की विजन को भी अफेक्ट करने लगता है। सो टेरिजियम किसी को भी हो सकता है। यूजली बढ़ती एज के साथ टेरिजियम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग सनलाइट में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, जो सन में बहुत काम करते हैं, उनको टेरिजियम के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो अगर आपको ऐसा दिखता है कि आँख की पुतली के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर कुछ टिश्यू सा आ रहा है, नखूना आ रहा है, तो आप अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलेंगे। आई स्पेशलिस्ट एक सिंपल स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के थ्रू बता सकते हैं कि आँख में टेरिजियम है या नहीं। अगर टेरिजियम बहुत छोटा है तो हम उसको ऑपरेट नहीं करते, उसको जस्ट ऑब्जर्व करते हैं कुछ आई ड्रॉप्स के साथ। पर अगर टेरिजियम बहुत ज़्यादा है, बढ़ गया है, विजन को अफेक्ट कर रहा है या कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता, तो उसे कुछ सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। इस सर्जरी में हम करते क्या हैं, जो ये फ्लैशी पार्ट होता है, जो फ्लैशी मास है, उसको हटा देते हैं एक सिंपल प्रोसीजर से। उसके बाद वहाँ पे एक लेयर लगाते हैं, अपने ही आई में से एक टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं उस एरिया के ऊपर, ताकि ये वापस ना आए। सो ये एक 20-30 मिनट्स का प्रोसीजर रहता है। ये स्टिचलेस हो जाता है। एक ग्लू के थ्रू हम वो टिश्यू को वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ताकि इसका रिकरेंस ना हो, ये चीज़ वापस ना आए। रिकवरी में अबाउट 1 वीक का टाइम लगता है, जिसमें आई के अंदर डस्ट वाटर से हमें प्रोटेक्शन रखना होता है। आई को रब नहीं करना होता, क्योंकि इनिशियली वो जो हमने लेयर ट्रांसप्लांट की है वो बहुत वीक होती है। विद इन अ वीक वो आई के अंदर सेट हो जाती है, तो हम अपनी रूटीन लाइफ के ऊपर बढ़ सकते हैं। सो जिनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो अपने आई स्पेशलिस्ट से, कॉर्निया स्पेशलिस्ट से आके मिल सकते हैं और इस चीज़ को एक ईजी ऑपरेशन के थ्रू रिमूव करा सकते हैं और अपनी विजन वापस ला सकते हैं एंड कॉस्मेटिकली काफी अच्छा दिख सकते हैं। फॉलो सेंटर फॉर साइट एंड पोस्ट योर क्वेरीज टू गेट आंसर्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स।